जमशेदपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार के द्वारा मतदाता जागरूकता रथ निकाला गया, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में कारगर साबित होगा, जिसे जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त अमित कुमार ने कहा कि पप्पू सरदार के द्वारा इससे पहले भी देश हित में कई कार्य किए गए हैं, जहां स्वच्छता को लेकर इनके द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। वहीं निर्वाचन आयोग की मदद के लिए इनके द्वारा किया जा रहा प्रयास काफी सराहनीय है। जमशेदपुर में 12 मई को मतदान होना है और इसके लिए व्यापक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं, और इसी के क्रम में आज पप्पू सरदार जी के नेतृत्व में प्रचार वाहन को रवाना किया गया। वो एक सजग नागरिक होने के साथ साथ जो है वो इस पूरे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मतदाता जागरूकता रथ लेकर निकले पप्पू सरदार का कहना है कि 5 साल में एक बार आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में हर वोट बहुत कीमती है, जहां सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा जागरूकता रथ को निकाला गया है, जहां हम इस रथ के माध्यम से हर मतदाता को जागरूक कर 12 मई को होने वाले मतदान में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा ही नहीं, सबका अधिकार बनता है कि इस तरीके से आगे आए, लोगों को जागरूक करें मतदान के लिए। ये हम सब नागरिकों का फर्ज बनता है, और शहर में जितने भी हम लोग रहते हैं, हम लोगों का हक बनता है कि जाएं, अधिक से अधिक मतदान करें, वोट दें अपने देश के प्रति। ये भी एक संदेश है कि हम कितने माने देश को चाहते हैं। बता दें कि रथ पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को भी जागरूक करेगा। जमशेदपुर से न्यूज 11 के लिए प्रभात कुमार।